काम से प्रमोशन हुआ कुछ वापस देख रहे हैं तो ये हर इस तारीख जो है जब तक ये लोग रहे दो चार वाकई से अगर सुना दें तो ये जो है चश्मदीद वाकई वो लोगों के सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल आज का दिन क्योंकि ये मौदा दिन है हजरत साहब खुदा जो एक एक हजरत साहब खुदा की जो हरकत है वो मौदा है और आज के दिन जो छुटने का ये भी हजरत साहब खुदा पहले बता दिए कि जुमेरात में मैं छुटने वाला हूँ। तो इस तरह जब जा रहे भी हजरत साहब जेल में तो अपनी मर्जी से है वो सारे वाकया आपके सामने मैं सुनाऊंगा। तो बहरहाल ये जो हैदराबाद क्योंकि हमारी जो जमात है वो इस इस्लाम को गालिब करने के लिए शायद इस्लाम की जो खड़ी हुई तो जो भी हालात होते वो मैं जाने वाला अल्लाह जो है मैं बनाएगा हालात को ऐसा लेके आना और ताई तो नुसरत अल्लाह की ऐसी रहती कि कोई शख्स जो है इसको अपने ताकत से इसको जो है ना मिटा सकता ना इसको अपने दर पर मोड़ सकता ये मौजा हालात है। तो बहरहाल हजरत साहब का कलाम सन 1924 से जब हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम का आगाज करे तो हजरत साहब को बहुत से जेलों में और ये जो हवाला जो होते हैं पुलिस स्टेशन में जो हवाला होते हैं बंद करके रखते थोड़ी देर दो दिन के लिए वो हवाला जो है तो हजरत साहब का 40 से 84 हवाला इसमें मुबलमिन और हजरत साहब का शामिल है। तो ये 40 से 84 हवाला मैं मेरे मुबलमिन जो है दावत इस्लाम के जो है इस काम के लोगों के नजर में जुर्म में जो है अपने उनके जुर्म हमारा क्या था कोई जायदाद या कोई दौलत या कोई हुकूमत हासिल करना नहीं था बल्कि इशाते इस्लाम था ये लोगों को जुर्म नजर आ रहा। तो इस वजह से मुबलमिन जो है हजरत साहब तआला को जा बचा हुबली के मजार में फिर इसके बाद बेंगलुरु के अंदर मैसूर में और बेलगाम में हैदराबाद में बेटाबाद में हर जगह जगह हजरत साहब तआला को और आपके साथियों को वक्तन फवक्तन जो है ये गिरफ्तार करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो जेल थी वो चंचलूरा जेल थी जिसमें हजरत साहब तआला 3 महीने और 3 साल 4 महीने जो है हजरत साहब तआला चंचलूरा जेल का है और मुबलमिन इधर मुबलमिन थे 5 साल भी रहे 6 साल भी रहे और 1 साल के बाद मुबलमिन छूटना शुरू हो गए। उसके बाद तो कोई 1.5 साल में कोई 16 महीने में जैसे अब्दुल कलाम साहब 16 महीने में छूट गया दूसरे 2 साल में 3 साल में इसके बाद 5 साल 6 साल तक भी जो है मुबलमिन धीरे धीरे छूटते रहे। तो इस तरह जो है ये हजरत साहब तआला 1924 से हर जगह दावत इस्लाम देने के लिए मठों में मंदिरों में चर्चों में गिरजाघर में हर जगह जो है जाकर दावत इस्लाम दिए। 3 जो है मराहिल हजरत साहब तआला तबलीग हिजरत गजवा और जिहाद ये तबलीग हिजरत और गजवा और जिहाद के लिए आखिरी जो है जो अल्लाह ताला ये जब जो है ना इसका इरादा और मंशा है तकमील तो होता। तो ये 3 जो है मराहिल तबलीग हिजरत और गजवा तो तबलीग में भी बहुत से हालात जो है पेश आए हिजरत में बहुत से हालात पेश आए और गजवा के बाद ये जो है मिलिट्री एक्शन जो हैदराबाद के दरबार इसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। लेकिन हजरत साहब का फरमान ये पुलिस एक्शन नहीं है मिलिट्री एक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो मारने के लिए आए थे वो पुलिस नहीं आई थी इंडियन गवर्नमेंट की बल्कि मिलिट्री है उनके साथ टैंक थे और जो है बड़े बड़े कैमिकल थे मशीन गन वगैरह सब जो है हथियार थे और फौज के जो 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 है गवर्नर या बाद में जो है सिपहसालार था फौज का वो जे एन चौधरी था और इस जो हैदराबाद को 17 सितंबर को जो हैदराबाद पे अटैक हुआ उससे पहले ही हजरत साहब ने सारे हालात मुबलमिन को दर्शक करा में सुनाए क्योंकि आजादी के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 आजाद होने के बाद हैदराबाद जो आजाद होने के बाद में एक यूनियन बनाया जिसको इंडियन यूनियन बना। तो इंडियन यूनियन क्योंकि अलग अलग रजवाड़े थे हिंदुस्तान में बहुत से राजाए थे 600 रजवाड़े थे अलग अलग राजा के अलग अलग हुकूमतें थे तो हर रजवाड़े में अपने अपने हुकूमतें चलते थे। अंग्रेज आने के बाद ये सारे राजाओं की हुकूमतों को खत्म कर दिया तो उसके बाद ये पहले तो मुसलमानों से असल जो हारकर जैसे अंग्रेज थे मुसलमान थे तो अंग्रेज आने के बाद मुसलमानों की हुकूमत चली गई और जो रजवाड़े थे जो मुसलमानों के जैर तसल थे वो अंग्रेजों के जैर तसल थे अंग्रेजों की जो है अधिकार पक्के। तो ये जब हिंदुस्तान से अंग्रेज 1947 में चले गए जाने के बाद में इंडियन यूनियन एक जो है ना एक वो
विनय बना के ये फैसला करे कि हिंदुस्तान के जितने भी शैली रियासत है और जितने भी रजवाड़े इन सबको मिलाकर एक यूनिट बना। अंग्रेज जो जहाँ जहाँ गए वहाँ के हुकूमत अपने हिंदू मुसलमान के जो भी अपने आजाद रहना चाहते हैं वो एक करके वापस चले गए, तो उस वक्त जो है इंडियन यूनियन बने के हर रजवाड़े को एक यूनियन के तहत यहाँ पर हुकूमत चलना चाहिए। तो उसमें कलकत्ता में सबसे बड़ी हुकूमत थी, कलकत्ता जैसे बंगाल में वहां पर जो है मुसलमान की हुकूमत थी, जैसे जो है बांग्लादेश है आज है वेस्ट बंगाल का ये पूरा इलाका है वहां पर नासिर दौला की हुकूमत थी, मुसलमान ज्यादा थे। इस तरह पाकिस्तान इंडिया ये सारे जो है ये पाकिस्तान 1947 में जो है ना पाकिस्तान अलग हो गया। अलग होने के बाद में यहाँ के लोग कितने से क्या करें, जितने भी रजवाड़े हैं ये पूरे एकजुट बना के हम जो है वजीर आजम बना के हुकूमत करेंगे, अलग अलग हुकूमत नहीं रहेगी। तो इस इतिहास से बहुत से रजवाड़े हिंदुओं के, तो हिंदुओं को जो है बोलकर उनको समझा के एक यूनिट बना और जो है कश्मीर में चुनके मुसलमान कसरत से थे और वहां का जो राजा था वो हिंदू था, वो हिंदू राजा को जो है बोले इसके बाद में उससे भी मसा लिया करे बहुत से लंबे वाकत तो मैं लंबे चौड़े वाकत नहीं सुना रहा हूँ, थोड़े थोड़े वाकत हो सकता है कि पुलिस एक्शन हुआ क्यों यानी मिलिट्री एक्शन हुआ क्यों ये जो है लोगों को समझ में आ जाए। तो इसके बाद में ये रजवाड़े तय हुए तो अब हैदराबाद का नंबर आया क्योंकि हिंदुस्तान को एक करने के लिए इधर जो है कर्नाटक है तमिलनाडु है केरल है फिर उसके बाद में इधर आंध्र प्रदेश है और इधर महाराष्ट्र है बॉम्बे का इलाका है, ये जो है अगर हम तमिलनाडु जाना है बेंगलुरु जाना है तो हैदराबाद से पासपोर्ट लेके उधर जाना पड़ता है, हैदराबाद की जाना लेके उधर जो है जाना पड़ता है। तो इंडियन यूनियन की जैसे जाकर यह हैदराबाद हुकूमत भी हमारे इंडियन यूनियन में मिला, इस वजह से जो है वो निजाम से जो है मसालियत करे निजाम के हुकूमत में जो है हम जो है पूरे इंडियन यूनियन एक होते हुए आप जो है ना हमारे यूनियन में आओ। तो उस वक्त जो है वीर उस्मान ने लिखा आसिफ जाह साहब बोले कि मैं ये जो है तुम्हारी ये हिंदुस्तान की हुकूमत में बैठेगा मैं जो है अंग्रेज भी अपनी हुकूमत में मेरे भी शामिल नहीं करे वो मेरे दोस्त है और मैं आजाद था मेरा सिक्का टप्पा ट्रेन पुलिस मिलिट्री सब जो है ना मेरी अलग है, जो लोग अंग्रेजों के दरअसल थे अंग्रेजी जो यहाँ पे थे उसको यूनिट बना दो मेरी हुकूमत को यहाँ पर है हमारे ग्रुप जो है लोग यहाँ पर हमारी हुकूमत को शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो ये शुरू शुरू में ऐसा मामला रहा तो उसके बाद ये बहुत से दुनिया में अजब अंदाज से जो है ये बात
पिता क्योंकि हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाना तो है लेकिन सिल्वर ज्यादा से और हुकूमत की हवा से नहीं बल्कि अपने अमान से और इस्लामी तरीके से इन्होंने चाहते थे कि दिल्ली पर असमिया परचम को जो है लहराई लेकिन हजरत साहब पिता का मंशा यह नहीं था। हजरत साहब पिता का मंशा यह है कि हिमालय के पहाड़ पर इस्लाम का झंडा रहेगा लहराएगा असमिया परचम नहीं है इस्लाम का झंडा जो बहुत जो है ना बहादुर है 27 हजार जो है ना यहाँ पर हुए उधर इंडिया जो है ना हुकूमत थी यहाँ पर जो हैदराबाद के अंदर 27 हजार हुए ये हजार के जो है वाकयात को देखकर कासिम नजरी को जैसा आया कि अड्डों को हमारे जो है रजाकारों में भर्ती कर लेना या हमारे रजाकारों में अगर जो है ना दाखिल हो गए तो हम जो है ना इनसे इंडियन जो है मुकाबला करेंगे लड़ेंगे। तो इससे जो है प्रधान के पास लोगों को भेजे खासकर जो है मीर लायक अली जो वजीर आजम थे यहाँ के उनको जो है उनके जरिए से हजरत साहब पिताल को फोन भेजे। फिर इसके बाद पुलिस के जो सबसे बड़े अफसर थे नाजिम पुलिस दीन याचन उनको जो है उनके जो है वली राजदीन साहब वाले में इस्लाम जो है ना बुलाकर खास जो है मशवरा करने के लिए बुलाए तो उस वक्त हजरत साहब पिताल फरमाने ये मसला बहुत अहम है ये दो हुकूमतों की जो है मुकाबले का मामला है ये हमारे नाजिम से ये मसले जो है हल नहीं होते हल नहीं होते लिहाजा मैं कुछ जो है इसमें मशवरे के लिए मैं आ रहा हूँ मैं मेरे साथ जो है बैठ कर बातचीत करूँ। तो उसके बाद जो है साहब बता से जब ये बात की उसके बाद But
बराबर दो मरतबा इस तरह फासले से जैसे मुहासरा करे, उसके बाद जो मुगल के बराबर जितना डटे रहे जेल में डाले गया। जेल में डालने के बाद यहाँ के बाद जुदा वाकई रहता है कि मुगल के सर पे जेल के अंदर फासले में से खासिद साहब सैयद सैयद इमाम साहब मुगल का इस्लाम जेल में डालने वाले जो है सैयद खासिद रजी का सुसा ना उन्हें इतना जोर ज्यादती कहा कि सर जो है टूट गया मुगल सैयद इमाम साहब मुगल का इस्लाम दीवार पारा गए चढ़ावा का हुकूमत का और जो है